इज अ खिचड़ी जो साउथ ऑफ इंडिया में बनती है, इट्स कॉल्ड पोंगल. पोंगल इज अ फेस्टिवल, जैसे आप सब जानते होंगे. इस फेस्टिवल में ये पोंगल डिश बनाई जाती है. मैंने घी डाला है एंड गुड क्वांटिटी ऑफ घी, ऑलमोस्ट 2 चम्मच भर के घी से शुरू कर रहे हैं. स्टार्टिंग विद क्लैरिफाइड बटर. अगर आप घी नहीं खाते हैं, इफ़ यू आर वेगन और यू डू नॉट प्रिफर घी, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, आप रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट पोंगल का स्वाद घी से ही आता है. सो द बेस्ट कम्स फ्रॉम घी. सो सबसे पहले ये घी डालने के बाद मैं इसमें ये सारा दाल ट्रांसफर करने वाली हूँ. दाल और चावल ये सारा इसमें डाल के बस हल्का सा इसको हम भून लेंगे, बहुत हल्का, ताकि उस पर ये घी लग जाए. यस. तो ये मैंने ना सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाने लायक यूज बनाया है. आई हैव डन अबाउट 1/4 कप चावल और 1/4 कप दाल. इक्वल क्वांटिटी, 1/4 कप चावल और 1/4 कप दाल. और इसमें मैं 4 टाइम्स द वॉटर डालूंगी. ठीक है, सो 1/4 1/4 अगर मेरा आधा कप हो गया है तो मैं 4 बार आधा कप पानी और इसमें डाल दे. That's it. Get all the dal or chawal inside. And I will add some salt to this. A little bit of salt. ताकि जैसे ये कुक होती है इसमें थोड़ा सा स्वाद भी आ जाए. और इसको हम ढक देंगे. सीटी लगा के फॉर अबाउट 3 to 4 सीटीज, 3 से 4 सीटी तक इसको हम छोड़ देंगे. जब तक ये हो रहा है, व्हाई डोंट आई शो यू द चटनी एज वेल. ओके, तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे. सबसे पहले चना दाल को डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, बिकॉज इसका ग्राइंडिंग और कोकोनट का ग्राइंडिंग भी थोड़ा सा फर्क हो जाता है. तो हम इसको पहले ग्राइंड करेंगे विथ अबाउट 2 or 3 ग्रीन चिलीज. जितना आपका स्पाइस कॉन्टेंट है, अगर आप ज्यादा स्पाइस खाते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम. एज यू कैन सी, हल्का सा ये ग्राइंड हो गया. ये जो चना दाल है, दिस इज व्हाट गिव्स द बॉडी टू द चटनी. इसी की वजह से वो हल्की सी थिक हो जाएगी. ठीक है, अब हम इसमें जो हमारा कोकोनट है वो भी ऐड कर देंगे. ओके, वी कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. अब विदाउट एडिंग वाटर एक बार इसको ग्राइंड कर लेंगे. अब इसमें हल्का सा हम पानी डाल के we can make a nice paste out of it. इसको बहुत ज्यादा भी ग्राइंड नहीं कीजिएगा, बिकॉज फिर कोकोनट का जो ऑयल है वो निकलने लगेगा. सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम दैट बहुत लोग फेस करते हैं, कि इसको आप ज़्यादा ग्राइंड ना करें. ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी देर अगर फ्रिज में भी रख देंगे ना, तो ये बहुत गाढ़ी हो जाती है. अच्छा, मेरी खिचड़ी के 3 से 4 सीटियाँ हो चुकी हैं. मैं इसे अब बंद करके साइड करने वाली हूँ, ताकि अब मैं, और इसे हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारा पूरा प्रेशर नहीं चला जाता. ओके, अब उसके बाद अब हम इसमें बनाने वाले हैं अपना तड़का. पहले जाएगा घी. सबसे पहले घी में हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाए. क्रैकल.
अब इसमें जाएगा मेरा दो कड़ी पत्ता एंड टू स्टिक्स जो मैं वॉश करके रख चुकी हूँ, थोड़ा सा दूर हो जाइए ये क्रैकल होगा। साउथ इंडियन पोंगल है, इट्स गॉट दिस ब्यूटिफुल फ्लेवर ऑफ करी लीव्स एंड क्यूमिन। इसमें जाएगा थोड़ा सा हींग, वेरी इंपॉर्टेंटली जो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है पोंगल का दैट इज पेपरकॉर्न्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लेवर। तो हम इसका आधा क्रश कर लेंगे और आधा हम होल डाल देंगे। सो हियर आई एम एडिंग द होल पेपरकॉर्न्स। हाँ, इसमें फुल पेपरकॉर्न्स जाता है एंड इट रियली टेस्ट, सो इट्स रफली क्रश्ड, एकदम बारीक भी नहीं है, रफली क्रश्ड पेपरकॉर्न्स। This is what is going to give it as a fantastic flavor. Green chilies has been found to be very, very good for health. They say it has cancer preventing possibilities. They also say it is very cooling for the body. हाँ, लोग कहते हैं कि बाप रे हरी मिर्च खाके तो मिर्ची लगती है, but it's actually cooling for the body. So both green chili as well as peppercorns go into this pongal. Slightly इसे कुक कर लेंगे एंड फाइनली गोज सम ग्रेटेड जिंजर। गॉट सम नाइस ग्रेटेड जिंजर गोइंग इन, नो वेस्टेड व्हाटसोएवर एंड दैट इज माय ब्यूटीफुल तड़का फॉर द पोंगल। So we start with a little ghee and we are going to add these cashew nuts. The cashew nuts make a very very important part of a pongal. Jo crunch hai, jo richness hai, wo is cashew nut se aati hai. And ye bahut important hai kyunki bachpan se jab bhi main pongal khati hu main isi ka intezar karti hu ki har bite mein at least ek piece cashew nut to aana hi chahiye. So for me as a nostalgia, as a love for pongal, cashew nut is very important. So इसको भी हल्के आंच पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। एंड यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि क्यों मैं अब घी बोल रही हूँ, क्योंकि इतना इस्तेमाल हो रहा है, मैं तेल के जगह आई वुड हैप्पीली यूज घी। एंड ये भी इस तड़के के साथ ही मैं इस पैन में, इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। और मैं ये घी बचा रही हूँ क्योंकि देर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू फ्राई फाइनली, जो मेरा एडिशन है वो यूजली पोंगल में नहीं जाता है, बट बिकॉज मुझे कोकोनट इतना पसंद है सो आई हैव दीज स्मॉल पीसेज ऑफ कोकोनट। मैं ये भी हल्का सा रोस्ट करने वाली हूँ। सो यूजली जो स्वीट पोंगल बनता है, जिसे हम चक्र पोंगल बोलते हैं, उसमें कोकोनट जाता है एंड इट टेस्ट रियली नाइस, बट प्लीज ट्राई दिस, ये सेवरी पोंगल में भी इट विल टेस्ट फैंटास्टिक। स्विचिंग दिस ऑफ, गोइंग टू एड इट टू दिस लवली तड़का बोल दैट आई हैव जस्ट नाउ व्हिच इज लाइक फुल ऑफ फैंटास्टिक फ्लेवर्स। As you can see, the rice is cooked, the dal is cooked. Now what we're going to do, use this age-old equipment of mine, which I think my mom gave me, whether it is my granny's or whose, I don't know. We're going to use this and smash this up. So we have a nice khichdi happening out here. No, so we don't want the dal to be sticking out or the rice to be whole, it needs to be nice and mashed. और आप सोच रहे होंगे कि ये इतना liquidy क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता है it gets more thick
इट गेट्स थिकर एंड थिकर. सो आई डोंट लाइक इट एकदम गाढ़ा. आई लाइक इट दैट थोड़ा सा उसमें पानी होना चाहिए. सो दिस इज हाउ इट इज. नाइसली घोटो इट. घोटना बोलते हैं हम इसको. सांभर को का भी जब हम दाल बनाते हैं तो उसे भी हम ऐसे ही घोटते हैं. बस इसमें जब ये तड़का गिर जाता है तो पूरी कहानी बदल जाती है. इसका स्वाद अलग हो जाता है. इसका पूरा का पूरा इसकी शक्ल बदल जाती है. एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड इट्स यम. सो मूंग दाल एंड दाल इज रेडी. तड़का इज रेडी. चटनी इज रेडी. जस्ट लेट मी गेट दिस नाइस एंड हॉट. इट्स लुकिंग लवली. और इसमें सबसे ज्यादा तो स्वाद आने वाला है आपको घी का, विच फील्स लाइक रिच एंड कम्फर्ट. इसको जब हम खाते हैं ना तो ऐसा लगता है बस हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालो, बगल में थोड़ी सी चटनी आ जाए. अगर आप लोगों को अचार पसंद है तो हल्का सा अचार आ जाए. बस वी आर रेडी टू गो. सो माई पोंगल इज ऑलमोस्ट रेडी. अगेन थोड़ा सा घी. आप इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो. आप रेगुलर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो. घी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लोग ये कोकोनट चटनी का तड़का बनाने के लिए. बट बिकॉज मैं पूरा खाना आज घी में बना रही हूँ तो आई डोंट वांट टू चेंज. आई हैव स्टक टू दिस. सो घी में थोड़ा सा राई. थोड़ी उड़द दाल. उड़द दाल और चना दाल हम वो क्रंच के लिए ऐड करते हैं एंड इट टेस्ट रियली नाइस. देयर गोज माय चना दाल अ लिटिल. दो लाल मिर्च. थोड़ी सी हींग. इफ यू कैन सी मेरा चना दाल अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है. आई एम गोना स्विच इट ऑफ. ओके देयर गोज माय खड़ी पत्ता. यू हैव टू रिमेम्बर कि जब हम पोंगल खाते हैं तो वो क्वांटिटी ऑफ चटनी कम नहीं होती है, भर के चटनी खाते हैं. And there goes the beautiful tadka over the chutney. So I don't like it completely mashed. So मैंने थोड़ा कम रखा है. अगर आपको और mash पसंद है तो एक सीटी और दे के you can always mash it a little more. And the beautiful tadka over. मतलब स्वाद तो इस तड़के से ही आएगा. दैट एंड आप सोचोगे वो छोटी सी एक कटोरी किस लिए है, वो है और थोड़ी घी के लिए. तो फिनिश योर पोंगल विद अ लिटिल मोर घी. थैंक यू सो मच.